वेलकम इंडिया, हम हैं रितेश और जिनिलिया डी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डिबेट, दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। हमेशा की तरह हमारे साथ है हमारे चार टू गुड BFFs, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स। प्लीज वेलकम पंजाब की शान एंड टीवी शोज की जान, करण कुंद्रा, राइटर, प्रोड्यूसर, एंकर एंड प्रेजेंटर, द लॉस्ट बॉय, विकास गुप्ता। ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा एस एक्टर एंड मॉडल तेजस्वी प्रकाश। अग्दी मस्त और इमोशंस की सुनामी दी आइडियल डॉटर रश्मि देसाई। गो रश्मि, रश्मि गो 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 रश्मि। As we start the world's biggest debate, ladies versus gentlemen, हमारा पहला सवाल है, कितनी परसेंट औरतों को लगता है कि मर्द इंपॉर्टेंट डेट्स याद नहीं रखते? आपके 15 सेकेंड शुरू होते हैं अब। परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थिंक केयरफुली, व्हाट कुड बी इंडिया की सोच। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज, मर्द इंपॉर्टेंट डेट्स याद नहीं रखते। 85%। ये किन गजनियों से मुलाकात कर रही हो? मेरी तो नसीब में गजनियां थे। ओके, लेट्स सी जेंटलमैन का क्या सोच है। नहीं नहीं, 65%। नहीं नहीं नहीं, ये जेन्युइन आंसर नहीं होगा, आप जोक कर रहे हो ना। देखो जेन्युइन हम होते हैं तभी तो हम बोल देते हैं ना कि हम भूल गए डेट। यस, आई डोंट थिंक 85% इंपॉर्टेंट डेट्स। आई थिंक 85%। ये बोल रही 85%, मुझे लगता है कि मैं भी 65%। हां, मैं आपकी तरफ हूं, क्योंकि क्या मर्द खामखा बदनाम हो चुके हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज वो चीज याद रखती है जो मर्द को कभी कभार भूल जाता है। अरे वो चीज याद करते जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है, जबरदस्ती। एक्सक्यूज मी, नो नो, वन मिनट। व्हेनेवर आई आस्क रितेश समथिंग, ही कन्वीनिएंटली सेज, यू नो माय मेमोरी, नो आई कांट रिमेंबर। वो जेन्युइन भी हो सकता है उसको यार। ये यही तो प्रॉब्लम है, जेन्युइन रीजन भी तो हो सकता है कि मुझे याद नहीं है कुछ चीजें, मेरी मेमोरी का कोई इशू है। मैं तो कब से बोला मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। चलो बात करो। औरतों की एक और प्रॉब्लम होती है ना, वो 10-10 साल पुरानी चीजें भी याद रख लेती है। अरे 10 साल पिछले जन्म की चीजें याद है इसको। वो सब छोड़ो, आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इंडिया प्लीज हमारी जैसा सोचो यार। बिल्कुल इंडिया 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 इंडिया। हां, आई थिंक हम ठीक है। इंडिया इंडिया 51%। इस सवाल का सही जवाब है 50%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर 50% प्रेस किया है, then you've got the right answer. देखिए, फिलहाल इंडिया की सोच 50% है जो सही जवाब है। जेंटलमैन भी काफी दूर है, 65 है। आप तो मतलब इतने दूर हो। लड़कियां आगे का सोचती है, लड़कियां बहुत पीछे का भी सोच लेती है, बहुत आगे का भी सोच लेती है। हम करंट में रहते हैं। पर ये तो खुद बोल रहे थे ना कि हम लोग याद नहीं रखते, लड़कियां ही सारी चीजें याद रखती है, पिछले जन्म की भी याद रखती है। आप खुद अग्री कर रहे हो कि लड़के याद नहीं रखते हैं। अरे भैया, हमारी सोच इंडिया की सोच से क्लोज है, तुम्हारी बहुत दूर है, तुम दूर जाओ। और मुझे लगता है कि इंडिया के मर्दों का दर्द यही है कि ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो याद नहीं रखते, कुछ कुछ हैं हमारे जैसे। करें, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जो याद नहीं रखते। आप याद रखते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं याद रखता हूँ। मैं तो 51% में हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु फॉरगेट, बट आई शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर पीपल हु रिमेंबर। मुझे एक और चीज लगती है, मुझे लगता है कि जब किसी आदमी को पूछा जाता है ना, अच्छा when was the first time we met, उतना प्रेशर में आ जाता है ना, अरे वो बंदा भूल जाता है। It's true, not about you, but it's true. हमारा अगला सवाल है, कितने परसेंट मर्द
दुकान से सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने में कंफर्टेबल हैं। एंड योर 15 सेकंड स्टार्ट नाउ। सिलेक्ट द राइट परसेंटेज ऑन योर स्लाइडर। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 75%। जेंटलमैन, आपको क्यों लगता है कि 75% मर्द आर कंफर्टेबल गोइंग टू अ शॉप एंड बाइंग सैनिटरी नैपकिन्स? बिकॉज़ नाउडेज पहले की तरह नहीं है कि चीजें छुप छुपाई में रहती है। आजकल स्कूल में भी एजुकेशन दिया जाता है, पीपल आर क्वाइट अवेयर कि एग्जैक्टली लड़कियों की ये प्रॉब्लम किस तरह से और कितनी पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक होती है। एंड आई थिंक वंस यू गेट मैरिड आई थिंक दीज थिंग्स ऑल्सो बिकम योर प्रायोरिटी अबाउट योर एंड योर वाइफ ऑल्सो। बट एक्चुअली ना हमारे यहाँ इस कंट्री में औरतों को अपना ही सामान खरीदते हुए ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। सो दैट्स वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई मेन गो एंड पिक इट अप फॉर देम। नहीं, ये तो कोई बहाना ही नहीं हुआ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। देहरादून इज अ एजुकेटेड प्लेस, यू नो, बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। एंड माय सिस्टर जब वो लेने जा रही थी नैपकिन, वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी बिकॉज जिस आदमी से वो लेगी ही विल पास ऑफ अ स्माइल, नॉट everything matters so much, and from that or time onwards either my mother would have picked up or I would pick up. ek aur cheez hai, aaj ki date mein bhi jab aap sanitary napkin lene jate ho aapko akhbar mein usko band karke diya jata hai. exactly, which is why to wo khareedna awkward nahi hota hai. ha, yaar, koi samajh nahi. what you said is also correct. no, I have an answer for that thing. एक तो ये बहुत पर्सनल चीज होती है कि आप इसलिए बंद करके ले जाते हो क्योंकि आप बाय करने जाते हो तो डेफिनेटली आप कोई ढिंढोरा तो नहीं पीटने वाले हो कि नाउ आई हैव गॉट माय पर्सनल इशू। यार दूध लेने जाते हो तब भी वो पर्सनल है। आई थिंक इट्स कंफर्ट आल्सो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बट व्हाट यू नो, वी हैव टू चेंज द मेंटालिटी। एंड आई थिंक वंस यू रीच 28 25 तक भी लड़कियों को थोड़ी सी उलझन होती है, बट वंस यू क्रॉस 25 ये सब उलझने नहीं रहती है बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू वेरी वेल कंफर्टेबल एंड द सराउंडिंग यू हैव। अगर वो आपकी सराउंडिंग नहीं है तो फिर आप हिचकिचाते हो, बट दैट इज वेरी रेयर। मुझे भी वही लगता है कि अर्बन एरियाज में इट्स अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर एंड रूरल एरियाज में इट्स अ डिफरेंट डील, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई होप वी रीच अ सिचुएशन वेयर गर्ल्स डोंट हैव टू फील अनकंफर्टेबल। ऑलमोस्ट देयर, मॉल में जाते हो वो खुला ही पड़ा रहता है, लोग लेन में चलते हैं, दे कैन सी गर्ल्स वॉल से ज्यादा ना यू नीड विमेन टू डू दिस। अगर माँ बोले कि तू मत जाना कल से भाई से मंगा लेगा मैं लेके आ जाऊंगी, दैट्स द प्रॉब्लम राइट देयर। मदर्स शुड टेल, मदर्स शुड बी ओके इन फ्रंट ऑफ देयर यू नो मेल चिल्ड्रन की ठीक है यार तेरी सिस्टर है और उसको पीरियड्स होते हैं और उसको इस सैनिटरी नैपकिन की जरूरत है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फील, दैट्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर आल्सो। लाइक आई फील कि अगर जाएंगे तो औरतें ही जाएंगे, मर्द बोलेंगे आपकी चीजें मैं क्यों लाऊं, रादर देन तू मत जा तू औरत है मैं जाता हूं मैं मर्द हूं मैं पैड लाऊंगा। गुड तेजा, यू आर ऑन आवर टीम नाउ। आई एम कंप्लीटली ऑपोजिंग योर पॉइंट। यू जस्ट अग्रीइंग टू दैट, गुड जॉब, लेट्स क्लैप फॉर हर। नो, आई थिंक कि ये एक ऐसा इशू है जहां पर जितनी ज्यादा हम इसे नॉर्मलाइज करें उतना बेहतर है। शिक्षा के द्वारा, जैसे आज आपने कहा कि कुछ लोगों को शायद कंफर्ट है न्यूज़पेपर में ढक कर लेके जा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसी सोसाइटी की ओर बढ़ना चाहिए जहां पर हमें ये ढकने की जरूरत ना पड़े। दैट्स ट्रू, दैट इज वेयर वी ऑल शुड प्रोग्रेस। चलो आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। आई थिंक ये हम लोग हार रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब है 50%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर चुना है 50%, तो आपका जवाब एकदम सही है। Gentlemen, you're closer to the right answer. I think as a society we need to normalize discussions about periods, about hygiene in our homes first. Like I think it's important to start at home first. Ladies should be able to talk about it freely with their partners, even with their adolescent children, so that they stop feeling embarrassed about buying pads or tampons. All of that, you know, it should just be part of life. Let's move on to our next question. Kitne percent mard खुद से बड़ी उम्र की औरतों से अट्रैक्ट होते हैं? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। परसेंटेज स्लाइडर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से अपना परसेंटेज चुनिए।
तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। तेजस्वी आप बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। नहीं 60%। लेट्स सी जेंटलमैन का जवाब। 50, 60, 70%। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 70% मेन आर अट्रैक्टेड टू वुमेन ओल्डर देन देम? बिकॉज बाकी जो 30% है वो लड़कों में भी इंटरेस्ट होते हैं तो वो ओल्डर वुमेन पे नहीं जाते। आई थिंक ऑलमोस्ट 90-100% मेन व्हेन दे आर ग्रोइंग अप द फर्स्ट टाइम दे लुक एट अ वुमेन एंड दे आर अट्रैक्टेड टू हर। आपके साथ ऐसे कभी हुआ है करण? आई थिंक ऑल द टाइम। अभी भी होता है ऑल द टाइम। All the time? All the time. You know, there's a maturity. Sure. मुझे लगता है कि लड़के जो हैं वो इतनी जल्दी मेच्योर नहीं होते हैं। लड़कियां बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, समझदार हो जाती हैं, लड़कों को टाइम लगता है। और लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा अपनी मॉम्स के करीब होते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ये एक माइंड सेट भी होता है और ये एक इनबिल्ट चीज़ है कि वी आर वांट टू टॉक टू एल्डर वुमेन बिकॉज वो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो हम रिलेट कर पाते हैं उससे। डू यू थिंक दे लाइक दिस होल प्रोटेक्टिवनेस? यस दे लाइक। यस दे वांट टू फील सिक्योर। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी औरत हो जिंदगी में जिनको पता हो कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमें सही राह दिखाएं, हमें प्रोटेक्ट करें। ये मेरी सोच है। मुझे ऐसे लगता है जब आप बहुत यंग होते हो तो यू वांट अ मैच्योर गर्ल हु विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू इमोशनली एंड मेंटली लाइक अ पिलर। बट वंस यू रीच टू अ सर्टेन मैच्योरिटी इन लाइफ देन यू रियली वांट टू हैव अ गर्ल हु इज वेरी यंग बबली। तो ओल्डर मेन लाइक्स यंगर वुमेन एंड आई फील यंगर वंस जो नए नए जवान होते हैं कौले कौले they like older women. But for the fact, चाहे young हो या older हो, एक लड़का हमेशा अपनी माँ को ही ढूंढता है अपनी पार्टनर में। अरे मम्मी है घर पे तो उनके पास जाओ ना, फिर उसको भी मम्मी बना। मैं मम्मी के साथ डेट पे थोड़ी जा सकते हो? नहीं जा सकते मम्मी के साथ? कौन डेट पे जाता है? क्वेश्चन अट्रैक्टेड था ना, तो मम्मी को क्यों ढूंढ रहे हो उसके अंदर? मुझे क्या लगता है आज की जेनरेशन के जो यंग लड़के हैं उन्हें भाभियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। भाभियों में? हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी लड़कियां पसंद होती है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू फॉर मैरिज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। व्हेन दे एक्चुअली वांट टू मैरी आई थिंक दे प्रेफर समवन सेम एज और यंगर। ओके आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 52%। इस सवाल का सही जवाब है 50%।